पाकिस्तान की वर्ल्ड कप में बदतरीन कारकर्दगी, बाबर आजम का कप्तानी से मुतालिक बड़ा बयान। पाकिस्तान का वर्ल्ड कप में सफर तमाम हो चुका है। अमेरिका और भारत से पे दर पे शिकस्तों के बाद कौमी क्रिकेट टीम को सख्त तनकीद का सामना है। आयरलैंड के खिलाफ अपने वर्ल्ड कप के आखिरी मुकाबले के बाद मीडिया से गुफ्तगु में कप्तानी से मुतालिक सवाल पर बाबर आजम ने वाजे कर दिया कि क़यादत छोड़ना पड़ी तो फैसला करूँगा लेकिन जो भी करूँगा सबके सामने करूँगा, डर कर नहीं करूँगा। उन्होंने कहा कि पहले मुझे लगा तो क़यादत छोड़ दी थी, फिर बोर्ड ने कहा इसलिए कप्तानी कबूल की, अब बोर्ड कहेगा तो दोबारा कप्तानी छोड़ दूंगा। अपने कप्तानी से मुतालिक सवाल का जवाब देते हुए बाबर आजम ने तस्लीम किया कि वर्ल्ड कप में तवक्कोआत पर पूरा नहीं उतरे, मैं टीम का लीडर था, टीम की नाकाम और खराब परफॉर्मेंस को तस्लीम करता हूं। आगाह किया कि बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी से मुलाकात करूंगा, चेयरमैन को लगता है कि टीम में सर्जरी की जरूरत है तो उनसे बात करेंगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।